बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से एक अहम प्रोग्राम लेकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, मैं शहर अज़ा मरकज़ अज़ा शहर लखनऊ से आपको तारीख़ के कुछ नुकात से रूबरू कराना चाहता हूँ। जब आसफ़ुद्दौला ने अपना मरकज़ हुक्मरानी फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया तो इस शहर ने अपनी तरक्की, शाइस्तगी और बुलंदी का एक नया दौर देखा जिसका शोरा दूर दूर तक फैल गया। शहर निगारा की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर पाए जाने वाली सूफियत और मज़हबी रुझान के साथ वो रवादारी जो तासुब से पाक होती है, ये एक हकीकत है जिसका एतराफ़ तमाम मौर्रिकीन ने तारीख़ में दर्ज किया है। नवाब आसिफुद्दौला बड़े पैमाने पर होली और दिवाली की तकरीबात का भी एहतमाम करते थे। इसी तरह हुक्मरान वक्त सभी मजाहिब के मानने वालों की यकजहती का ख़ास ख्याल रखते थे। आसिफुद्दौला आले मोहम्मद के शैदाई की हैसियत से ज़िंदा रहे और जोश दीनदारी को उम्र भर बरकरार रखा। आइए, उनके कुछ अशार हैं, उन्हें समाअत फरमाते हैं जो आपने ख़ुद नज़्म किए हैं। मस्जिद अगरचे सबसे बड़ा एहतराम है, लेकिन इमाम बाड़ा भी आली मकाम है। वो आस्ताने हक है, ये मकाम इमाम है। सजदा अगर इधर है, उधर को सलाम है। ये आसिफुद्दौला के उन अशारों में से एक अशार जो आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि मैं फिर हाज़िर होऊंगा ऐसे ही अवध की कुछ नुकात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।